गांधी जी किस तरह से अपना कपड़ा खुद बनाते हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो साबरमती नदी है, और जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये गांधी जी के हैंडराइटिंग है इंग्लिश लैंग्वेज में। गुड मॉर्निंग इमेजियंस, राइट नाउ वी आर एट द सेंटर ऑफ द गांधी आश्रम। एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ सफाई कर्मचारी हैं जो इंश्योर कर रहे हैं यहाँ पे साफ सफाई मेंटेन रहे। काफ़ी हाइजेनिक जगह है, यू विल फील लॉट ऑफ ग्रीनरी आउट देयर। एंड हम अपने प्यारे बापू को श्रद्धांजलि क्यों ना दें। एज यू कैन सी वहाँ पर गांधी जी की एक स्टैचू रखा हुआ है। ये फूल जो हैं फ्लावर्स, ये हमने नीचे से उठाए हैं और हम अपने फादर ऑफ द नेशन को प्रणाम करना चाहेंगे। Yes, this whole section is divided in different compartments, different zones like, yeah? This is the Upasana Mandir. This is also a section. Upasana Mandir, ये वो पवित्र भूमि है जहाँ पर सत्याग्रह श्रम के निवासी भाई बहन सुबह शाम यहाँ पे आके प्रार्थना करते थे। इसी स्थान से गांधी जी ने अनेक धर्म प्रवचन किए थे जिनकी पवित्र ध्वनि आज भी वातावरण में गूंजती सी प्रतीत हो रही है। लाइक वी आर फीलिंग, आई थिंक यू ऑल्सो आर फीलिंग टू बाय सीइंग दिस होल एटमोसफियर। यही एक स्थान है जो गांधी जी के करे आत्म परिश्रम में सत्याग्रह श्रम नाम के योग्य ठहरा था। अगेन दिस जोन इज डिवाइडेड इन डिफरेंट अनदर कंपार्टमेंट्स आर सीइंग ओवर हियर। आई थिंक यू कैन सी हृदय कुंज, विनोबा कुटीर एंड मीरा कुटीर, नंदिनी दैट इज उद्योग मंदिर एंड मगन निवास। जहाँ तक मेरा नॉलेज है मगन निवास इज द पर्सन हु लाइक सेक्रेटरी हु इज वर्किंग हु इज हैंडलिंग होल वर्क ऑफ दिस आश्रम। गुड मॉर्निंग इमेजियंस, वंस अगेन स्वागत है आपका। जैसे कि आप जानते हो कि महात्मा गांधी जी हमारे देश के राष्ट्रपिता हैं। उनकी लाइफ से हमें बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं मिलती हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो साबरमती नदी है। मैंने टेक्स्ट बुक में बचपन में पढ़ा था कि इतनी बड़ी नदी उनके यहाँ से बहती है पर तो भी वो पानी का कभी मिसयूज नहीं करते थे। वो ये इंश्योर करते थे जितने पानी की जरूरत हो सिर्फ उतना ही पानी इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक उनकी लाइफ से हमको बहुत सारे लेसन सीखने को मिलते हैं। हेलो इमेजिन्स, क्या आपको पता है गांधी जी 1915 में जब अफ्रीका से अहमदाबाद में आए थे तो सबसे पहले वो गांधी आश्रम में नहीं आए थे, वो आए थे कोचरब आश्रम में। ये देखिए आप, 1915 में गांधी जी कोचरब आश्रम में आए थे, उसके बाद वो चंपारण गए और जब वो वापस अहमदाबाद में आए तब उन्होंने इस गांधी आश्रम को अपना निवास स्थान चुना। अब जैसा कि आपको संदीप सर ने बताया कि गांधी जी कोचरब आश्रम से साबरमती आश्रम आए, है ना, तो क्या आपको पता है कि गांधी जी ने अहमदाबाद को ही साबरमती आश्रम, दैट मीन्स अहमदाबाद को ही क्यों चुना? उसका कारण ये हो सकता है, एक तो गांधी जी प्रॉपर गुजराती थे, है ना, तो उनको लगा मैं अपनी मातृभाषा के माध्यम से अपने देश की सेवा, अपने गुजरात की सेवा, अपने देश की सेवा कर सकता हूँ। सेकेंड थिंग, ये रीज़न हो सकता है कि उस टाइम टेक्सटाइल हब हुआ करता था अहमदाबाद, सो उनके ये दोनों रीज़नों के कारण से उन्होंने ये आश्रम चुना होगा कि मुझे अहमदाबाद साबरमती आश्रम में रह के मैं अपने देश की सेवा अच्छे से कर सकता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये गांधी जी के खुद के हाथों के लिखे हुए हैंडराइटिंग हैं, देख सकते हैं आप। उसके बाद गांधी जी हमेशा व्रतों को इम्पोर्टेंस देते थे, है ना, और जब मोस्ट प्रोबेबली गांधी जी एकादश के व्रत भी रखते थे, उनके कुछ नियम होते थे व्रतों के पीछे, उनका भी बहुत डिटेल में यहाँ पे बताया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है आप ये जो इमेज दिख रहा है, आपको एक लेडी दिख रहा है, वो कौन है? जी हाँ, ये है कस्तूरबा, गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा जी का आश्रम, जहाँ पे गांधी जी 12 इयर्स तक कंटिन्यू 1918 से 1930 तक कंटिन्यू 12 साल गांधी जी कस्तूरबा के साथ इस आश्रम में रहे थे। उसके बाद हम आते हैं वाइफ कम सत्याग्रह, बिकॉज गांधी जी ने बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे अपने देश की आजादी के लिए, है ना, उनमें से एक ये भी था वाइफ कम सत्याग्रह, जो एट प्रेजेंट केरला, ये सत्याग्रह हरिजनों का प्रवेश निषेध को स्टॉप करने के लिए केरला में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद हम चलते हैं कोहार, दिस इज द प्लेस विच नाउ प्रेजेंट इन पाकिस्तान, ये वो जगह है, ये आंदोलन अगेन गांधी जी ने चलाया था, जिसमें गांधी जी ने 21 दिन तक
कौमी दंगों को रोकने के लिए 21 दिन का उपवास किया था। और जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये गांधी जी के हैंडराइटिंग है इंग्लिश लैंग्वेज में, आई थॉट एंड स्टिल थिंक डैट। ओके, सो ये गांधी जी के हैंडराइटिंग है, जैसा कि आप देख सकते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीड। एंड चोरी चोरा का इंसिडेंट हम कैसे भूल सकते हैं, यू कैन सी ये चोरी चोरा प्लेस है। और चोरी चोरा में पुलिस वालों को जब जलाया गया तो गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन विड्रॉन कर लिया था। गांधी जी स्वदेशी के बहुत फेवर करते थे, गांधी जी चाहते थे कि हम लोग वही सामान खरीदें जो हमारे देश में बनता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, गांधी जी एक्चुअली में कुछ कर नहीं रहे, वो यहाँ पर नमक उठा रहे हैं। आपको मैं अच्छे से पूरी बात स्टोरी सुनाता हूँ, ये है क्या। देखिए, बात है 1930 की, ब्रिटिशर्स हमसे नमक का भी टैक्स लेते थे और गांधी जी कहते हैं सिंस नमक तो एक बेसिक कमोडिटी है, इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। इसका विरोध जताने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च, डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को, जी हाँ, इसी आश्रम से उन्होंने दांडी यात्रा शुरू की। 24 दिन लगातार वो दांडी तक चल के गए जो नवसारी डिस्ट्रिक्ट में आता है, और 5 या 6 अप्रैल को, 5 तारीख को शाम को वो पहुंचे थे, 6 तारीख को सुबह यही सिनारियो था। गांधी जी ने नमक उठाया और कहा मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। और ये आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में पढ़ते ही हो, स्टैंडर्ड 9, एंड ये है, यही वो मेमोरियल गांधी आश्रम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पता है आपको, गांधी जी की दैनिक प्रवृत्तियां भी हम सब से कुछ अलग थी। हम सब जैसे रूटीन में नहाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, है ना, बट गांधी जी डूइंग समथिंग डिफरेंट। ही वॉज लविंग फॉर एनिमल्स, ही यूज टू प्लांटिंग ट्रीज, देन यूजिंग माइक्रोस्कोप्स, ही लव टू रीडिंग, देन रीडिंग राइटिंग उनको बहुत पसंद था। जनरली वी यूज टू गिव द स्पीचेस, देन प्रेइंग, एंड एट डाउन साइड यू कैन सी इज यूज टू सर्व द पेशेंट्स ऑल्सो। वो गरीबों की, हरिजनों की, उन सबसे उनको बहुत प्यार होता था, उन सबकी बहुत सेवा करते थे। दिस इज वॉट अबाउट देयर हिज डेली रूटीन एक्टिविटीज। चलिए अब हम चलते हैं पिक्चर गैलरी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे गांधी के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, उनकी लाइफ की इम्पोर्टेंट इवेंट्स। ऑफकोर्स ये जो इवेंट है ये काफी, आप लोग जब लाइव यहाँ पे आकर देखोगे तो यू कैन सी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इवन एक एक पिक्चर को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है, एंड यू कैन एंजॉय दिस पिक्चर्स। मोहन टू महात्मा, ये क्रोनोलॉजी दी हुई है, एज यू कैन सी 1869 में उनका बर्थ हुआ था, उनके लाइफ के सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहाँ पे कवर अप किए गए हैं, एंड फाइनली एज यू नो 1948 में उनकी डेथ होती है। अभी आप जो मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, अब हम सब चल रहे हैं गेस्ट रूम की तरफ। ये गांधी जी का गेस्ट रूम हुआ करता था, टू विंडोज एंड यू कैन सी सीलिंग द डिफरेंट वे। अभी का जो स्ट्रक्चर है टोटली डिफरेंट होता है ना। चलिए अब आते हैं कस्तूरबा की रूम की तरफ। गेस्ट रूम के जस्ट बगल में ही आपको कस्तूरबा का रूम मिलेगा, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं। और ये आप जो सामने देख रहे हैं वो है कस्तूरबा का किचन, और ये वो हॉल है जहाँ पर गांधी जी अपने सारे पॉलिटिशियंस फ्रेंड्स के साथ मिलके मीटिंग कंडक्ट किया करते थे। सर आपको पता है सबसे इस आश्रम में सबसे बेस्ट प्लेस कौन सी मुझे लगी? कौन सी? ऑब्वियस, दिस प्लेस इज इट्स स्पेशियस प्लेस, नो? मतलब ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो गांधी का जो बोलते हैं ना हृदय, जो सेंटर पॉइंट होता है ना आश्रम का, मुझे ये वही लगा, क्योंकि यही वो प्लेस है जहाँ पे गांधी जी बैठ के सूत काटते थे, है ना। देखिए चरखा उस टाइम का सब रखा हुआ, मतलब कितना केयरफुली, कितना संभाल के ये सब चीजें रखी हुई है ना सर। इसकी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए इन्होंने एक जाली टाइप का भी लगाया हुआ है, एंड जी हाँ ये वही चरखा है जो गांधी जी चलाया करते थे, एंड इसी आश्रम की जगह को हम लोग हृदय कुंज कहते हैं। एंड विनोबा भावे जी ने उनकी लाइफ के ऊपर एक साइकिल बनाया था जो सत्याग्रह के ऊपर बेस है।
सो अभी आप जो चरखा देख रहे हैं, ये चरखा कैसे चलता है, ये इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे काम करता है, आप जरा इधर ध्यान दीजिए। देखिए गांधी जी किस तरह से अपना कपड़ा खुद बनाते थे, तो उनका एक बड़ा चरखा आपने देखा, उसका एक हमने मॉडल बनाया है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जी। सो दिस इज कॉटन, रॉ कॉटन जी मैम, कॉटन की पूनी बोलते हैं इसको, जो हम कॉटन प्लांट में से, हाँ कॉटन प्लांट में से हम कॉटन निकाल कर उसमें सीड्स रहता है जी, कपासिया बोलते हैं, हाँ जी, उसको निकाल जी। कर हम उसको ऐसा पुनी का शेप दे देंगे, ठीक है, मतलब ये रॉ कॉटन है, रॉ कॉटन जी, उससे ही धागा बनता है, कुछ प्रोसेस किया हुआ नहीं होता है। स्पिंडल में थोड़ा धागा कोई भी लगा कर हम उसको रखेंगे रुई के ऊपर, जब ये घुमाएंगे तो ये बेल्ट है और स्पिंडल भी घूमेगा, वो घूमने से ही इसके जो फाइबर्स हैं उसको वो पकड़ लेता है, थ्रेड वो कैच कर लेते हैं। हाँ एक मैं बताती हूँ, ये देखो पीछे हाथ लेके जाएंगे वो धागा ही बनेगा, राइट, इसको हम जब पकड़ कर घुमा देते हैं ना तो इतना धागा बना हुआ टाइट हो जाता है, फिर हम इसको इसमें जमा करेंगे, इस तरह से धागा बनता जाता है, लेकिन दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये घुमा रहे हैं उसी तरह से हमको उसको हाथ को खींचना भी है रुई को, तो इसके के आगे के फाइबर्स को वो पकड़ता रहता है तो धागा बनता है। तो गांधी जी के फोटा के ऊपर है ना हाथी, उस तरह फिर लच्छा बना कर हम उसको हैंडलूम में भेजते हैं, वहाँ कपड़ा बनता है खादी का, फिर इसको बांधेगा, हाँ दाना और बाना, और फिर उसका स्पिनिंग वगैरह, हैंड स्पन एंड हैंड वोवन, दैट इज कॉल्ड खादी। तो इस तरह से स्वदेशी, दिस इज यार्न लाइक नो, हाँ ये यार्न बन गया, उसका फिर कपड़ा बनेगा, डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि मोर एंड मोर पीपल एम्प्लॉयमेंट स्ट्रैटेजी मूवमेंट, सो गांधी जी ने ब्रिटिशर की इकोनॉमी टूटी और मिल का कपड़ा आना बंद हुआ, लोगों को रोजगारी मिली, विदेश की कपड़ों की होली जलाकर उन्होंने स्वदेशी वस्त्र सामने रखा खादी, तो वो इस तरह से बनता था। तो अलग अलग टाइप के चरखे बाद में निकले, जिसमें अभी ज्यादा पॉपुलर है वो है अम्बर चरखा, विच इज मल्टी स्पिंडल, तो एक बार घुमाने से मल्टी टाइम धागा भी बन जाता है, उसको अम्बर चरखा बोलते हैं, उसके मॉडल हमने एग्जीबिशन लगाया है उसमें आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैन्युअली प्रिपेयर्ड हैंड वन हैंड वो वन, दैट इज कॉल्ड खादी। देखो यहाँ धागा बन रहा है ना, इसको पकड़ कर जब ट्विस्ट करेंगे वो टाइट हो जाएगा, फिर आप इसको ऐसे ऊपर ले जाकर इसको नीचे जमा करेंगे, ये जमा हो गया, फिर से खींचेंगे फिर से धागा ही बनेगा, राइट। So dear students, I think you all are enjoying like me people, no? Yeah. एक मेडिटेशन भी है, okay. हमारा ध्यान यहाँ होना चाहिए जहाँ से धागा निकलता है, so our concentration also develops by doing this. And coordination is must. तो ये धागा सही से बनेगा, वो खींच लेंगे तो वो पतला भी होगा, लाइक दिस, फिर इसको हम इसमें जमा करेंगे। अच्छा, जमा करते टाइम भी हमें चरखा मूव करना है, हाँ, ताकि वो एक जगह गैदर हो जाए, बिल्कुल, अगर निकल गया तो भी कुछ नहीं करना है, फिर से रख देंगे ऊपर के साइड, है ना, ऐसे, और फिर हम फिर से घुमाएंगे तो फिर से जुट जाएगा, कहीं पर भी जॉइंट्स नहीं आता है, वो प्रैक्टिस से आता है जी, जी, दोनों हाथ का, हाँ, काफी प्रैक्टिस चाहिए लेकिन आ जाता है, इतना मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज द पोर्टेबल बटन, ये जो चरखा है गांधी जी जब प्रवास में या जेल में होते थे तो इस तरह का चरखा यूज करते थे, लाइक दिस, इसमें भी धागा बनता है, दिस इज द लैपटॉप वर्जन ऑफ स्पिनिंग व्हील, सो वी कैन कैरी इट एनीवेयर, ओके, ये पीसी है और ये लैपटॉप है, इसको यरवड़ा चरखा भी इसलिए कहते हैं, यरवड़ा जेल में थे गांधी जी, हाँ उन्होंने काफी टाइम का चरखा चला है, काफी टाइम उन्होंने यरवड़ा जेल में स्पेंड किया था, हाँ, तो इसको यरवड़ा चरखा भी इसीलिए कहते हैं। जब ये स्पिंडल भर जाता है धागे से तो दिस इज द कलेक्टिंग व्हील, हम इसको यहाँ पर रखकर ये पूरे धागे को इसमें लपेट लेंगे हाथ से, हाँ इधर धागा इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम इसको ऐसे बाहर निकाल कर और इसकी आंटी बनाएंगे,
पूरा उसका बंडल बंडल, और फिर ये जाएगा हैंडलूम में और कपड़ा बनेगा खादी का। इस तरह से पूरा हाथ से ही बनता है लाइक दिस। ये आटी बनेगी, ये काउंट करते हैं। अच्छा। एक एक राउंड घूमेगा तो वो एक मीटर धागा होता है। इस तरह से 250 या 300 मीटर की हम आटी बना लेते हैं बंडल। अच्छा। और वो फिर काफी सारी इकट्ठी होती है, तब ताना और बाना लगाकर हाथ से पूरा कपड़ा बनता है लूम्स के थ्रू ना, इसको बोलते हैं आटी। ऐसे बना वो गूंज भी नहीं होगी ना जी, मतलब हाँ वो आटी होती जाएगी तो गूंज भी नहीं होगी। एग्जैक्टली बनता है, इसको बोलते हैं आटी। हमारे यहाँ काफी VVIPs भी आते हैं, मोदी जी आए, ट्रम्प साहब आए, सबको हम हाथ से बना हुआ इस तरह का धागे की माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं हाथ से बनी हुई आटी आटी। हेलो गाइस, सो वी आर नॉट द वन जो यहाँ पे आश्रम में आ चुके हैं। हमसे पहले इस आश्रम में यू कैन सी क्वीन एलिजाबेथ, इंद्र कुमार गुजराल, अमिताभ बच्चन जी, मतलब कितने सेलिब्रिटीज, यू कैन से बिल क्लिंटन इज देयर, और हमारे नरेंद्र मोदी, एनीवन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो सबसे बेस्ट प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम जिंगपिंग, आपको जो नो ये चाइना से बिलोंग करते हैं, एंड सुनीता विलियम्स हमारी प्रेसिडेंट, प्रतिभा पाटिल, एनीवन हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी, ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज यहाँ पे विजिट कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे पीने के पानी की फैसिलिटी है, टॉयलेट्स फॉर जेंट्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए, इवन यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, मैं आपको जरा उसको आगे से बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर गांधी जी की लाइफ से रिलेटेड जितनी भी बुक्स हैं, उनके फोटोग्राफ्स, उनसे रिलेटेड पेन, किचन एक्सेसरीज सब मिलती हैं, एंड इवन यहाँ पर एक है खादी शॉप्स, 100% कॉटन से बनाए गए कपड़े आपको यहाँ से मिलेंगे। इसके अलावा ये एक शॉप है जहाँ पे आपको लाइब्रेरी की सारी बुक्सें मिलेगी।